नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त विपक्षी नेताओं में और अब कहिए तो एक्टर्स में भी अब होड़ लगी पड़ी है कि सनातन धर्म के खिलाफ आखिर कौन बयान देगा। बैक टू बैक आपने देखा होगा कांग्रेस के प्रियांक खड़गे, इसके बाद आप देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उनके बेटे उदय स्टालिन, इन सभी ने सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया। और इन सबके साथ अब उदय निधि के बयान का मिलता जुलता बयान जो है इसी तरीके का एक्टर प्रकाश राज भी देते नजर आ रहे हैं, जो पहले चंद्रयान को लेकर बयान देते थे। हाल ही फिलहाल में एक मजाक भी उन्होंने फिर से सनातन धर्म का बनाया था और एक बार फिर से वो ये कह रही हैं कि सनातन का मिटना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक्टर जिनकी आप कह सकते हैं आधा से ज्यादा आबादी जो सनातन धर्म का पालन करती है, इन एक्टर्स के फिल्मों को देखती है, इनके फिल्म हिट करवाती है और उसके बाद ये एक्टर ही आप कह सकते हैं सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलते नजर आते हैं। आखिर क्या कहा है प्रकाश राज ने और क्यों हो रहा विवाद, विस्तार से समझिए। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मंत्री और सीएम स्टालिन के बेटे उदय निधि द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तनातन कहकर सनातन का मजाक उड़ाने वाले फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन डेंगू की तरह है और इसका खात्मा होना जरूरी है। प्रकाश राज ने उदय निधि स्टालिन के बयान को दोहराते हुए कहा कि सनातन डेंगू बुखार की तरह है और इसे मिटाया जाना चाहिए। जी हाँ, डेंगू बुखार जो है वो बता रही हैं, कह रही हैं कि डेंगू बुखार की तरह है और इसे मिटाया जो है जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 8 साल के बच्चे को धर्म से जोड़ना ही सनातन धर्म है। राज ने, आपको बता दें, प्रकाश राज ने एक मुस्लिम बस कंडक्टर का मुद्दा उठाया जिसे एक महिला ने अपनी टोपी उतार दी के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस देश में रहना चाहिए। कलबुर्गी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रकाश राज ने कहा कि छुआछूत की मानसिकता अभी भी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसीलिए दूर नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ एक नियम है और यह कानून के खिलाफ है। कर्नाटक में एक मुस्लिम बस कंडक्टर था जिसने अपनी धार्मिक टोपी पहन रखी थी। एक महिला ने उसे इसे हटाने को कहा। ऐसा बोलने वाले लोग भी हैं। आसपास कौन से लोग थे जो ऐसा करते हुए देख रहे थे? कल एक कंडक्टर यप्पा माला यानी धार्मिक माला पहनेगा तो क्या आप उसे वो कंडक्टर के रूप में देखेंगे या उसकी भक्ति के रूप में देखेंगे? एक कंडक्टर भी होगा जो हनुमान टोपी पहनेगा और प्रार्थना करेगा कि बस सुरक्षित रूप से चले। क्या हर कोई अपने कपड़े उतार कर बैठ सकता है? सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस देश के सभी को जीवित रहना चाहिए ना, समाज में सभी को रहना चाहिए। प्रकाश राज ने कहा कि धार्मिक जय श्री राम जुलूस में 18 साल के युवा चाकू और तलवार लेकर चल रहे थे, यह देखकर मुझे सचमुच दुख होता है। उन्हें रोजगार और सपनों के निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि किसने उनका इस तरह ब्रेन वॉश किया। उन्होंने कहा कि 8 साल के बच्चे को धर्म से जोड़ना क्या सनातन नहीं है? यह डेंगू बुखार है जिसका खात्मा जरूरी है। हम किस देश में रह रहे हैं? बीआर अंबेडकर के कारण अस्पृश्यता अवैध हो गई, लेकिन लोगों में मानसिकता नहीं जा रही है। इससे पहले जो है कालबुर्गी में ही प्रकाश राज के खिलाफ समर्थन हिंदू संगठनों ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और काले झंडे भी लहराए। प्रकाश राज को हिंदू विरोधी बताते उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और ये भी कहा गया कि उन्हें अब जो है आने ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि अब इसे भी जो है नहीं, नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में जो है ले लिया था। हाल ही के दिनों में कथित हिंदू विरोधी बयानों को लेकर हिंदू समर्थक समूहों ने अभिनेता प्रकाश राज की कालबुर्गी यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। हिंदू समूह ने कालबुर्गी डीसी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया गया कि वे प्रकाश राज को शहर में क्यों नहीं आने देना चाहते हैं और शहर में इनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। जी हाँ, शहर में ही उनकी एंट्री जो है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह दिया गया क्योंकि प्रकाश राज उस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले जब प्रकाश राज एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शिवमोगा के कॉलेज गए थे तो बाद में हिंदू समर्थक का जो समूह है, समूहों ने उन जगहों पर गोमूत्र छिड़क दिया था और कहा था कि प्रकाश राज ने उन जगहों को अशुद्ध जो है कर दिया था। विवादास्पद अभिनेता प्रकाश राज की हाल ही के दिनों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए अपने बयानों के कारण खूब आलोचना हो रही। हिंदू समर्थक समूहों द्वारा उन्हें हिंदू विरोधी कहा जा रहा है और जो है आपको बता दें कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही सनातन को तनातन कहकर उसका मजाक उड़ाया था। इतना ही नहीं, प्रकाश राज ने नवनिर्मित संसद भवन में धार्मिक अनुष्ठान करने के खिलाफ भी अपने विरोधी विचार व्यक्त किए थे।
इसके अलावा कुछ दिन पहले उन्होंने एक्स पर अपने ट्रेडमार्क हैशटैग जस्ट आस्किंग के साथ चंद्रयान पर मजाकिया कैप्शन के साथ एक चाय बेचने वाले की तस्वीर पोस्ट की थी। जी हाँ, चंद्रयान जिसकी सफलता के गुणगान हो रहे हैं, चंद्रयान जिसने भारत के लिए एक नया आयाम गढ़ा, इतिहास के सुनहरे पन्नों, जो आप कह सकते हैं पन्नों में से लिखा जाएगा, चंद्रयान जिसे भारत इतना प्राउड आज फील कर रहा है, कितना आप कह सकते हैं इंजॉयबल मोमेंट था, कितना प्राउड मोमेंट था भारत के लिए, उस चंद्रयान का भी मजाक प्रकाश राज जैसे एक्टर उड़ा रहे थे। और आज अगर आप देखेंगे तो उनका उसने मजाक उड़ाया था और कई लोगों ने इसे पीएम मोदी पर तंज और इसरो वैज्ञानिकों का अपमान बताया था कि चाय बेचने वालों की तस्वीर के साथ उस चंद्रयान की उन्होंने तस्वीर जो है पोस्ट की थी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे, अब सनातन धर्म को भी खत्म करने की बात प्रकाश राज जैसे एक्टर कह रहे हैं। हालांकि राज ने बाद में स्पष्ट किया कि ये एक मल्याम चुटकुले का संदर्भ था, लेकिन चंद्रयान की टाइमिंग और उस चुटकुले की टाइमिंग से आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ था। लेकिन उन्हें लगता है कि जनता बेवकूफ है और उन्हें प्लेट किया जा सकता है और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। आखिर उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था जिसके बाद हम कह रहे हैं कि सिमिलर बयान जो है इनसे मिलता जुलता है। दरअसल एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। विवादित बयान देते हुए उदयनिधि ने कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं करते हैं, हम इसे मिटाते हैं। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि के इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था। कुछ नेता उनके समर्थन में आ गए तो अधिकतर राजनेताओं ने बयान से दूरी जो है बना ली थी। और ऐसे में अगर आप देखेंगे प्रकाश राज जैसे एक्टर्स जिनकी फिल्में 80% आबादी देखती है, आप कहिए कि जो आबादी आप देखती है उसमें से 80% लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं और उसी धर्म के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कह रहे हैं कि डेंगू बुखार जैसा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। आखिर सनातन धर्म से इतनी चिढ़ किस बात की है? सनातन धर्म के खिलाफ बोलने के लिए क्यों होड़ लगी है? जब दूसरे धर्म के खिलाफ बोला जाता है तो सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और माहौल ही बदल जाता है। लेकिन यहां तो सनातन धर्म के खिलाफ बोलने की मानो कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा सनातन धर्म को गाली देगा, कौन कितना ज्यादा सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, कौन कितना ज्यादा सनातन धर्म के लूपहोल निकालेगा। सनातन धर्म के खिलाफ बोलना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य जो है लोगों का बन गया है और चुनाव से पहले पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं कि सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस से लेकर आप कहिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे से लेकर अब आप कहिए कि प्रकाश राज जैसे एक्टर तक सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आखिर सनातन धर्म से इतनी एलर्जी क्यों है? आखिर सनातन धर्म से इतनी आपत्ति क्यों है? और सनातन धर्म को मिटाने के पीछे उसे खत्म करने की बात लगातार क्यों कही जा रही है? और ये सवाल आपको खुद से भी पूछना है कि हम भी ऐसे मामलों को क्यों आगे बढ़ाने का काम कर रहे है, क्योंकि बैक टू बैक इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है और एक्शन इनके खिलाफ कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। कानूनी एक्शन की भी जरूरत है और साथ ही साथ इन लीडर्स जो कि आप कहिए कि ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं उन्हें राजनीति से आप कहिए कि बेदखल करने की भी जरूरत है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कमेंट में लोग कह रहे हैं जो बेहद ज्यादा नाराज हैं इनके बयानों से। और प्रकाश राज के बयान से तो आप देख ही रहे हैं कि नारे लगा रहे हैं कि उन्हें सब बाहर ही रखा जाए, उन्हें एंट्री भी कई जगहों पर करने की मनाही कर दी जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।